और आगे बढ़ते हुए आपको बताया कि कोरोना वायरस की दुनिया पर दहशत छा गई है। चीन में 24 घंटों में मजीद 43 अफराद हलाक हो गए। हलाकतों की मजमूई तादाद 213 हो गई, जबकि 10,000 से ज्यादा अफराद मुतासर हुए हैं। दूसरी जानब वायरस 19 ममालिक में पहुंच गया, जिसके बायस आलमी इदारा सेहत ने ग्लोबल एमरजेंसी नाफिज कर दी है। चीन में कोरोना वायरस 24 घंटों में मजीद 43 अफराद की मौत की वजह बन चुका है। सिर्फ 3 दिन में 100 से ज्यादा अमवात से चीन समेत दुनिया भर में कोरोना वायरस की दहशत छा चुकी है। चीन में हलाकतों की मजमूई तादाद 213 हो चुकी, जबकि 10,000 से ज्यादा अफराद मुतासर हुए हैं, जिनमें से बास की हालत तश्वीशनाक है। दुनिया में कोरोना वायरस के साए तेजी से बढ़ने लगे। खतरनाक वायरस 19 ममालिक में फैल चुका है। अमेरिका में छठा केस भी रिपोर्ट हो चुका है। उधर फ्रांस ने अपने 200 शहरियों को शहर वुहान से निकाल लिया और इटली जाने वाले 7,000 मुसाफिरों पर मुश्तमिल क्रूज शिप को चीनी खातून मुसाफिर को कोरोना वायरस से मुतासर होने के खदशे पर रोक लिया गया है। आलमी इदारे सेहत ने ग्लोबल इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। WHO का कहना है कि कमजोर हेल्थ सिस्टम वाले ममालिक में वायरस फैलने का खदशा है। आलमी इदारे सेहत ने चीन से मुख्तलिफ ममालिक के शहरियों के इनखला की मुखालफत करते हुए तमाम ममालिक को मिलकर काम करने और एडवांस रिसर्च पर जोर दिया है। पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस से बचाव के लिए अवाम में आगाही को सोशल मीडिया और दीगर जराये से फैलाया जा रहा है।